सोनी चिंटू कहाँ है? वो आगे दुकान पे है। जरा सी कतरी सुपारी कर। पापा को मेरे और राजा के बारे में क्यों बताया? बता तो मैंने आपके पति को भी दिया है इसके बारे में। क्यों? क्यों? क्यों मरा रांझा? फरहाद क्यों मरा? क्यों मार लिया पेट में चक्कू रोमियो ने? क्यों लाखों लाख लड़के अपनी नसें काट लेते हैं? क्यों काट लेते हैं? प्यार, तनुजी प्यार करने लगा था आपसे। अबे पगला गए हो? शादीशुदा हैं हम। वो आपका मैरिटल स्टेटस है, दिल से तो आप अभी भी कुमारी हो। और डिवोर्स लेटर भेज तो दिया आपके पति को। क्या? कब? कल भेजा था ब्लू डार्ट से, अब तो मिल गया है उनको। सात फेरों की तो बात है तनुजी, दोबारा लेने में घिस थोड़ी जाएंगे। अरे जान दे सकते हैं आपके लिए। ए, हाथ मत लगा, तुम जैसों की ना दिक्कत है। जरा हंस के बात कर ली, तुम्हें लगता है लड़की सेट हो गई? तो हम क्या सिर्फ हीरो अंडा और एक लीटर पेट्रोल थे आपके लिए जो छोड़ छोड़ के आते थे राजा वस्ती का? बोले थे ना राजा, दो घंटे का रास्ता है लखनऊ से कानपुर तक का, बोले थे ना राजा। और तुम साले मियां बीवी जिंदगी झंझ कर दियो हमारी, चुपचाप जाके बाइक पे बैठो और चलो हमारे साथ। और तुम बेटा, तुम तो तीतर रोलो समझे। ए कम बेइज्जत करके मत जाओ हमें राजा वस्ती, खत्म कर दो। अरे छोड़। ए एक बार में खत्म करो, ए सांप है हम, ऐसा डसेंगे पानी नहीं मांगोगे तुम। अगर हम उतर गए बेटा तो मार ही डालेंगे। मार के जाना राजा वस्ती। अबे रुक रुक, मार देगा ये गोली। बेटा आऊंगा मैं, पान लगा। अबे पगला गए हो क्या? दिन में बैठ के शराब पियेंगे, लेडीज बैठी है सामने दिखाई नहीं दे रहा है। सर भैया जी, क्या हुआ, क्यों इतना गर्म हो रहे हो? ऐसा है तनु, तुम्हारे पति वो कमीने डॉक्टर साहब है राहु, और वो आके हमारी कुंडली में फिर से बैठ गए। और इस बार हम बता रहे हैं, हम नहीं कटवाएंगे अपना। सोमवार हो या मंगलवार, साले को गोली चला देंगे। क्यों गालियां दे रहे हो, क्या हुआ बताओ तो सही। चार साल तनु, चार साल मेहनत करके एक लड़की ढूंढी थी, न उससे मिले न उससे बात की, सीधा शादी को हां कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी दिखती, और हम कहे तुम नहीं तो तुम्हारे जैसी सही, लेकिन तुम्हारे पति से वो भी देखा नहीं जा रहा है। साले को ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये है कि दिल्ली में आशिकी चल रही है उनकी, हमारी मंगेतर के साथ। किसकी? मनु शर्मा की। हाँ। तुम्हें किसने कहा? हमारी दीदी ने। तुम्हारी तो कोई दीदी नहीं है। अरे है कोई दूर की, तुम नहीं जानती उन्हें। कहाँ रहती है? अरे कहा ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अरे उत्तम विहार में। लेकिन मनु तो मयूर विहार में है। अरे तो कहीं और मिले होंगे, हमको क्या पता। तो उसे तुम्हारी दीदी से प्यार हो गया है? अरे हमारी दीदी से नहीं, उनकी ननद से। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी दीदी के साथ घूम रहा है। ओ तनुजा त्रिवेदी, तुम रॉ की एजेंट हो क्या? जो कह रहे हैं समझो बात को, तुम्हारे पति प्रेम में पड़ गए हैं, धोखा दे दिया है तुम्हें, तुम्हें ठेंगा दिखा के दूसरी शादी कर रहे हैं, और इस सब में हमारी बत्ती लग गई है। मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, 40 साल की उम्र में किसी का घर बस जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? शाना! समझ गया ना, बात कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, he's a small potato। पोटेटो हो या एप्पल, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी मंगेतर हमें वापस लौटा दो, या फिर तुम चली आओ हमारे पास। हमें सीधे साधे ठेकेदार आदमी, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जेक के सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस।